नमस्कार, मैं जून मैसी, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर तेलंगाना से लोग आए हैं और इनका डिमांड है कि सेफ एजुकेशन, सेल्फ सेफ हेल्थ, सेफ डेमोक्रेसी, तमाम डिमांड है। हम इन्हीं से पूछते हैं कि इनका और क्या क्या डिमांड है, क्यों लगता है कि एजुकेशन आज सेफ नहीं है। मेरा नाम महेश्वर राज है। मैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन का तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर हम दिल्ली में तेलंगाना राष्ट्र समिति, सामाजिक समिति, राष्ट्र समिति जो यहाँ पर दीक्षा कर रही है एक दिन का, उस दीक्षे के सपोर्ट में आए हैं और इनका जो डिमांड है कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ और बैन लिकर इन इंडिया, ये और उसके साथ साथ ये जो भी क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं देना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है, सुप्रीम कोर्ट एक क्राइम बताया है कि जो जिसका जो मर्डर केस है, क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस के साथ साथ जो सुनिए, यस, क्रिमिनल्स के साथ साथ वो इकोनॉमिकल क्रिमिनल्स भी है, जैसे विजय माल्या है या कोई दूसरे है, इन लोगों को भी बैन करना चाहिए। एक उससे ज़्यादा क्रिमिनल है ये इकोनॉमिकल क्रिमिनल, वो जो भी बैंक का बैंकक्रप्ट होता है उसको भी ब्लैक लिस्ट में लगाकर उससे उसको भी इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। और रही बात जो एजुकेशन की है, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे संविधान में जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स दिए उसमें फ्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन दिया है, राइट टू हेल्थ दिया है, मतलब ये जो भी गवर्नमेंट सरकार आती है ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो हर भारत के हर नागरिक को समानता दे। समानता तभी हो सकता है जब भारत में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को आप बढ़ावा ना देके गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अच्छा और बेहतर आधुनिकीकरण करना चाहिए, तभी गरीब के बच्चे आज हमारे कॉरपोरेट में मिलियनर्स के बच्चों से कॉम्पीट कर सकते और उनसे अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकते। वैसा ही हेल्थ का है, हेल्थ भी आप देखेंगे आज लूट रहे हैं। अगर आप कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको पहले बिल बांधने के लिए बोलेंगे ताकि ट्रीटमेंट के बजाय आपको पहले बिल बांधने के लिए बोलेंगे। जो आदमी, जो मरीज़ है वो पहले तो परेशान होता है, वो उसका हक है, राइट टू हेल्थ संविधान में दिया गया है, उसके हक के खिलाफ ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं और जो भी टेस्ट लिखते हैं वो टेस्ट पूरे बेकार के टेस्ट है, सिर्फ बिल बनाने के लिए टेस्ट है। अगर डिस्चार्ज करते सब जिम्मेदारी, आपका कहने का मतलब है कि सरकार लेना चाहिए। ये सरकार की, मोदी साहब बताते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सिर्फ अदानी अंबानी से साथ दिए तो नहीं होता, जो गांव के पिछड़ा वर्ग है, गरीब है, उसको जब साथ देंगे आप, उसके काम क्या है, योजनाएं लाएंगे, तभी आप सबका साथ बोल सकते हैं। आप दुनिया पूरा फिर रहे, फ्लाइट में फिर रहे, आपके फ्लाइट के चार्जेस क्या है, आपके सूट के चार्जेस क्या है, ये क्या ज़रूरी है क्या? आप गांधी के जो गुजरात से आते हैं जहाँ पर गांधी शर्ट नहीं पहनते थे, वैसे गांव से वैसे आके आप क्या आदर्श दे रहे? आपका एक काउंटर पार्ट है राहुल गांधी है, उनका करोड़पति है, वो पैदाइशी करोड़पति है, मगर उनका ड्रेस देखिए और आपका ड्रेस देखिए, आपका पूरा ड्रेस सब आईना अपने चश्मे पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतना पैसा अगर गरीब को अगर आप एजुकेशन देने में या हेल्थ देने में करें तो आज शायद ही एक दो तीन प्रदेश आपके जो खर्चे हैं, दो तीन प्रदेश उस पर चल सकते हैं। आपका कहना है, लेकिन मैं एक सवाल और करूँगी। जिस तरीके से आपने बताया कि फ्री देना चाहिए, वहाँ के अकॉर्डिंग जैसे आपने बताया कि ये सब कुछ फ्री होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी, उसके लिए दिल्ली सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दिल्ली में तो ये सब कुछ स्कूल और हेल्थ में बहुत ध्यान दिया जा रहा है और हो भी रहा है। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर जी बैठते हैं, दिल्ली में प्रेसिडेंट जी बैठते हैं, हमारा डिमांड सिर्फ सुनिए हमारा डिमांड सिर्फ तेलंगाना का नहीं है, हमारा डिमांड ये दोनों को ये है कि पूरे देश में लिकर बैन करो, पूरे देश में फ्री एजुकेशन दो, पूरे देश में फ्री हेल्थ दिए दो, पूरे देश से क्रिमिनल्स को हटाओ, आप अपना चश्मा और सूट बूट कम करो। यहाँ से हम प्रधानमंत्री को सुना रहे कि आपका जो खर्चा हो रहा वो खर्चे से दो स्टेट
दो स्टेट का एजुकेशन और हेल्थ का खर्च हो सकता है, वैसे ही आप अंबानी अदानी का जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनसे बोलिए, आप उन पर सेस लगाइए, आप उन पर बोलकर पूरे देश में फ्री एजुकेशन बिल्कुल आ सकता है। जब केजरीवाल ये दिल्ली में कर सकते हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री है, आप क्यों नहीं पूरे देश करते हैं? सरकार सर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने फ्री एजुकेशन और हेल्थ में भी आपने आप आए हैं तो आपको शायद पता भी होगा सब कुछ ये फ्री कर रहा है, बस के महिला की टिकट फ्री कर दिया है, सब कुछ होने के बाद भी दिल्ली प्रॉफिट में है, तो क्या लगता है सर क्या देश में हर जगह नहीं हो सकते? हमारे सीतारामन निर्मला सीतारामन हो या अमित शाह हो या प्रधानमंत्री हो, वो कहते हैं कि हमारा 5 ट्रिलियन जीडीपी होगा, उनको शर्म आना चाहिए। उनके पास जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ का दिल्ली प्रदेश आज फ्री एजुकेशन दे रहा, फ्री हेल्थ दे रहा, लड़के वुमन के लिए फ्री बस दे रहा, जो भी स्कीम्स जो भी योजनाएं हैं केजरीवाल कर सकते हैं। केजरीवाल एक छोटा सा आम आदमी पार्टी लगा है, छोटा पार्टी है, आप इतने बड़े बड़े बोलते हैं, वो बोलने वाले फिर आप पूरे देश में फ्री क्यों नहीं कर सकते, ये हम उनको बोल रहे हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके वहाँ पर भी हो या पूरा भारत में हो? पूरा भारत के लिए हम यहाँ पर आके मुद्दा लगा रहे, हम ये तेलंगाना का नहीं, यहाँ दिल्ली को आने का एक ही कारण है, हम पैसे अपने पैसे खर्च कर यहाँ पर आकर हम प्रधानमंत्री जी से विनती करते हैं कि भाई आप जिस गुजरात से आते वहाँ गुजरात में नशा बंद है, क्यों देश पूरा क्यों नहीं कर सकते? आप 56 इंच वाले का 56 पूरा देश में चलना है, सिर्फ गुजरात में ही क्यों? आज दिल्ली में फ्री एजुकेशन है, पूरे हिंदुस्तान में फ्री एजुकेशन क्यों नहीं करते आप? आप जितने ये पुतलों पर, जितने मूर्तियों पर, जितना सरदार पटेल पर लगाए, जितना लोग जितने भी लगा रहे आप, उसके बजाय जो जिंदा है इंसान यहाँ, उसके लिए क्यों नहीं कर रहे आप? पाकिस्तान का मुद्दा उठाते, पाकिस्तान ज़रूरत है क्या? पाकिस्तान अब नहीं पैदा हुए जब से हम उस पर अपर हैंड है इंडिया का, वो कभी हमारे से अपर हैंड नहीं रहा। आप आकर आप बोलने की ज़रूरत नहीं है कभी भी, खाली यहाँ से अगर खाली विदाउट फौज अगर यहाँ से अपने बंदे चमचों से भी मारेंगे तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाता। हिंदुस्तान का एक नागरिक अगर सिर्फ चमचों से उनके चम्मच से उन पर वार करेंगे तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाता। अब आप इतने डिफेंस के जितना आपका बजट है, शर्म आना चाहिए, डिफेंस पे क्यों बजट है? आप वो डिफेंस का बजट आप एजुकेशन में क्यों नहीं लगा रहे, हेल्थ में क्यों नहीं लगा रहे? ये लगाने की ज़रूरत है, पानी के लिए क्यों नहीं लगा रहे, बिजली के लिए क्यों नहीं लगा रहे? ये सोचने की बात है प्रधानमंत्री जी। डिफेंस में तो लगाना जरूरी है ना? जरूरी नहीं है, ये पूरा बहाना है, इधर 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 मोदी जी और इमरान खान का बहाना है, पाकिस्तान और बीजेपी मिले हुए, जब कभी यहाँ इलेक्शंस होते पाकिस्तान का नाम निकालते, पुलवामा होता, ये सब इलेक्शन का है, जब कभी पाकिस्तान में इलेक्शन होते वो लोग भी कुछ ना कुछ करते हिंदुस्तान के बारे, ये दोनों का कहने का मतलब ये सब बातें छोड़ के सिर्फ मेन है शिक्षा स्वास्थ्य सब ध्यान दे रहे हैं। यस, जरूरत नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की जनता में फौज की बात तो बहुत दूर है, फौज तो बहुत सक्षम है, हिंदुस्तान की जनता में इतना इतना अपना स्वाभिमान है, इतना अपना देशभक्ति है, अगर चाहे तो पाकिस्तान पे पैदल जाकर मार के आते, इतना जरूरत नहीं है, इतना डिफेंस की जरूरत है, पहले भी पहले बहुत बहुत है, बहुत एग्जांपल है, क्यों खरीद रहे भाई आप? वो जो खरीद कर किसको आप कमीशन दिए? वो तो कह रहे हैं सर कि अभी हमारी सेना ज्यादा मजबूत है, पहले मजबूत नहीं थे। एक बात जो पुलवामा में शर्म आना चाहिए डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को, पुलवामा का जो रिपोर्ट आया था 1 वीक पहले आया था कि यहाँ पर हमला होने वाला है, और आप आम जनता भी जानती है कोई मामूली सा मिनिस्टर जा रहा तो क्लीन अप करते हैं, वहाँ तो सैनिटाइजेशन होता है, वो सैनिटाइजेशन जबकि आपके पास रिपोर्ट है कि हमला होने वाला है, और फौज को आप गाड़ी पे नहीं एयरलिफ्ट करो, ये भी एक सुझाव भी दिया गया था, ये एयरलिफ्ट नहीं किया, सैनिटेशन नहीं किया, ये जानबूझकर हमारे फौजियों के शहीद करके ये इलेक्शन जीता, ये पूरा उनका बद्दुआ लगेगा, जो मोदी जी है अमित शाह को है उनको उनका बद्दुआ लगेगा, ये अपने चुनाव के लिए ये नाटक किया, इसके अलावा कुछ नहीं है।
ये थे तेलंगाना से आए हुए लोग हैं और इनका कहना है कि सेफ एजुकेशन होना चाहिए, सेफ हम हेल्थ होना चाहिए। जब केजरीवाल जी यहाँ पर दिल्ली में कर सकता है तो पूरा देश भर में क्यों नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इनका ये भी कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान की बात कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी सेना पहले ही मजबूत है और अभी भी मजबूत है। जो मेन मुद्दा है उसमें ध्यान देना चाहिए और मेन मुद्दे में बात होना चाहिए। नया मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊँगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।